इस वक्त मैं सोनाली फोगाट के घर के बाहर हूँ। ये घर फतेहाबाद के भूथन कला में पड़ता है और यही वो घर आप देख सकते हैं। इसी घर में सोनाली पैदा हुई, उनका जन्म हुआ, उनका लालन पालन यहीं वो बड़ी हुई और यहीं से उनका उनकी शादी हुई, यहीं से वो विदा हुई थी ससुराल के लिए। जब उनकी शादी हुई यहीं वो खेली बड़ी थी। घर में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर उनकी मौत के बाद यहाँ पर मातम है और घर के जो आस पड़ोस के लोग हैं और रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग अपना कहीं ना कहीं दुख प्रकट कर रहे हैं परिवार के साथ, उनके साथ दुख साझा कर रहे हैं। तो अब आपको घर दिखाना चाहेंगे जहां पर सोनाली यहीं पर बचपन में यहीं से खेला करती थी तब और अब की तस्वीर में कुछ अंतर जरूर आपको दिखेगा पहले से। और बहुत से लोग हैं आस पड़ोस के हैं, चाचा हैं, रिश्तेदार में हैं, जो इस निधन के बाद, ये खबर सुनने के बाद जिनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी वो लोग यहाँ आए हैं और वो भी कहीं इतना परिवार का साथ दुख बांट रहे हैं और दुख साझा कर रहे हैं ताकि ये जो परिवार इस समय गमगीन माहौल में है उनको ढांढस बंधवाया जा सके। तो ये आंगन है, यहीं पर पैदा हुई, यहीं पर खेली बड़ी हुई और यहीं के बाद वो स्कूल वगैरह गई थी। तो उनके चाचा हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? त्रिलोक चंद। सोनाली यहीं पैदा हुई थी, इसी आंगन में खेली बड़ी हुई थी और अब तो चलो तस्वीर पहले से बदली हो और शायद पीछे वाले कमरे ऐसा लगता है जैसे पुराना घर पुराने हैं। जिस टाइम उसकी शादी थी ना उस टाइम का है जो मकान सामने वाला, बाकी धीरे धीरे हाँ ये आहिस्ता आहिस्ता फिर मकान बनाया है आगे। किस तरह से बचपन उसका बीता सोनाली का और आज जब ये सुना आपने कि सोनाली अब नहीं रही तो उस बचपन की वो यादें भी कुछ ताजा होती होंगी? ताजा मतलब खेलिया करती अच्छी तरह, बड़ी हंसफूक गुड़िया थी, पढ़ने में भी होशियार थी, बच्चों में खेलती कूदती, मतलब एक सिंपल परिवार में, मतलब पढ़ी उरे गांव में ही, यहीं से उसने मैट्रिक करी। तो स्कूल में भी अच्छा, बच्चों के साथ खेलना कूदना, मतलब पांच भाई बहनों में दूसरे नंबर की। हाँ वो मतलब बड़ी तो उसकी एक बहन है, उससे छोटी है ये। फिर दो भाई है, फिर एक लड़की है, तीन बहनों की और दो भाई, हाँ दो भाई। तो सोनाली कहाँ यहीं रहा करती थी? इसी घर में? हाँ इसी घर में यहीं पर। हाँ हाँ इसी घर में और यहीं यहाँ आंगन में चूल्हा भी हमें दिख रहा है यहाँ। हाँ, पे खाना वाना बनाना और परिवार के साथ काम करना, जब भी आया करती थी इसका माँ रसोई में ना बैठ के अपनी माँ के साथ है ना खुद खाना। सोनाली के पिताजी भी हमारे साथ, वो बचपन में किस तरह से उसका व्यवहार था? सोनाली बढ़िया, अच्छा, सबसे अच्छा उसका। पांचों भाई बहनों तो पिता वो बहुत ज्यादा बात करने की हालत में नहीं है क्योंकि जवान बेटी की मौत के बाद उनकी हालत भी नहीं है कि वो बात कर पाए और हम भी कोशिश करेंगे कि पिता और माता को ज्यादा ना परेशान किया जाए क्योंकि इस समय उनके दिल पर क्या कुछ गुजर रही है ये वही जान सकते हैं। हम चाचा जी से बात करना चाहेंगे। आप ये बताइए कि सोनाली जब यहाँ इस घर में थी, खेलती थी और इसके बाद जब सोनाली पढ़ने लिखने गई, कल हमने देखा कि उनके जो सहपाठी थे उनका भी ये बयान आया कि सोनाली बिल्कुल फिट रहने वाली लड़की थी, इस तरह से हो नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ है उसके साथ? नहीं अब तो उसके साथ कोई हादसा ही होया जी, बात यह है पहले मेरी में बहुत फर्क हो गया जी, क्यों पहले बचपना था, बच्चों में खेलना हंसना खुना, हर बच्चे के साथ लगाव था, गांव में भी जैसे इन्हें मिलने जाया करती ना तो पूरी टोली टीम के साथ जाना हंसी खेला गया करती। अब तो ये तो अब चेंज होने के बाद में, आगे जाने के बाद में ये जो किसी के दिमाग में या जस्सी कौन सा है ये, मतलब उसके साथ ये घटना। सोनाली के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो गए थे, फैन हो गए थे, लोग उनको टिकटॉक पे बहुत देखते थे, टिकटॉक बैन हो गया उसके बाद से उन्होंने इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी करीब 1,000,000 10 लाख लोगों 8 लाख से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। तो इस तरह का शौक सोनाली को पहले से था? हाँ बच्चों के माँ खेलना कराना, आपसरी का माँ, मतलब गाँव में भी जैसे कट्ठी लड़कियां होगी रहे, नाचली कूदली रहे, जैसे त्योहारा में उसमें भी स्कूल में खेलने कूदने गाना बजाने में मतलब शुरू से इंटरेस्ट था, शौक था, इंटरेस्ट हाँ बचपन से शौक था। यही उनको धीरे अपना करियर भी उन्होंने इसी में बनाना शुरू किया। इसी हिसाब से जाने, बल्कि वो तो थोड़ी बहुत क्या करते ना तो मतलब जमींदारा लाइन में कौन चली वो बजी बात है। हाँ। खेल कूद में ज्यादा ही उसका इंटरेस्ट भी चला लेती थी। खेती सारा कुछ कर लेती थी। तो कितना हाथ बटाती थी परिवार का क्योंकि हमने देखा बहुत सी वीडियोस में। हाँ जाया करती खेत में, खेती स्कूल से आने के बाद है ना, जाया करती थोड़ा बहुत काम कुम जैसे जमींदारी में होता है वो करवाया करती।
अच्छा इंटरेस्ट था गुड़िया का। अब मतलब पीछे सिस्टम में देख के किसी के ये जचा भी को नहीं। अच्छा फिर उसका कभी कोई आज तक बीमारी नहीं थी, कभी वो लड़की आज तक बचपन से लेके कभी एडमिट को नहीं हुई हॉस्पिटल में। हाँ आज तक का रिकॉर्ड है उसका। इसीलिए आप लोगों को यकीन नहीं होता कि कुछ इस तरह से हो सकता। मतलब ये एकदम हादसा होया है ना, तो किसी आदमी का किसी बच्चे का या आस पड़ोस में किसी का मतलब ये यकीन नहीं होता ये हो सकता है क्या। अच्छा सुबेरे टाइम से खाना नेचर की भी बहुत ही जैसे ज्यादा ये ना चिटपटी चीजें खाना अटपट करना ना ये भी कदे किसी किस्म का वो इंटरेस्ट नहीं लिया करती, सादा रहना सादा। 2016 में उनके पति का भी देहांत हुआ, वो भी एक संदिग्ध मौत थी, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कैसे। और 6 साल बाद अब सोनाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ तो क्या मांग है आपकी? मांग ये भी मतलब पहले भी नहीं मिला। हाँ नहीं मिला। हाँ देखो हम तो सरकार से ये गुंजाइश करते हैं भाई हमारी लड़की ने न्याय मिलना चाहिए। उसने किसी का गलत नहीं सोचा, नहीं उसने कभी किसी का गलत किया, इतनी मिलनसार थी। बस हमारा ये धोखा हो रहा है भी वो अगर करने होती बोल लेती बता लेती तो थोड़ा संतुष्ट हो जाती बात है। आपको लगता है कि उनकी हत्या के पीछे या उनकी मौत के पीछे जो उनके साथ थे दाएं बाएं लोग उनका कहीं हाथ है या कोई राजनीतिक शंका आप समझते हैं आदमपुर में चुनाव में? साथ में उसके साथ में सुधीर उस पर पहले ही मान शक है। हाँ उसी पर शक है, उसकी नेचर है वो बात नहीं करने देता था। मतलब परिवार वालों को मतलब यूं रखता था दूर, पता नहीं क्या तो उसने सोच रखा था, क्या प्लान थी उसकी। आप माँ बाप थे लेकिन उसके बावजूद दूर हमने दूर रखता था। कदे रिकॉर्ड है उसका। तो सोनाली ने कभी ऐतराज नहीं किया कि सुनाई कम होया करती? अच्छा हाँ मतलब पता नहीं उसने क्या प्रेशर बना रखा था उसको, क्या दबाव था उसका। देखो वो तो परमात्मा जाना जी बात है। अब तो वो सोनाली के साथ चला। हाँ हाँ बाकी मतलब भेद कौन लागण दिया उस आदमी ने। व्हाट्सएप कॉल पे भी कुछ बताना चाहती थी वो, उसने बोला था कि मैं आऊंगी तो बताऊंगी रेमन अपनी जो बहन है उनको भी। वो तो कल की जो बात हुई है मतलब उससे पहले तो मतलब बेरा ही कौन था नहीं इस बात का भी इस कैसे हो जाएगा। वो तो शाम ने जैसे वो किस मैटर में गए ये भी बता के कौन गए कहाँ गए। हिसार से सुने हमने भी वो गाड़ी लेके खुद की गाड़ी खराब हुई है उनकी ऑटो मार्केट में, फिर किसी दोस्त की बंगा या जैसे रिश्तेदार की वो वहां से यहाँ से पलवल गए। परिवार को भी नहीं बताया गए भी हम कहाँ जा रहे हैं भी आगे जाएंगे नहीं जाएंगे। ये तो सुबह जब टेलीफोन आता है ना जब पता लगता है भी वो। अच्छा 2019 में जब भाजपा ने उनको टिकट देकर आदमपुर में चुनाव लड़वाया तो कितनी खुश थी सोनाली? बहुत खुश है। मतलब आम आदमी का एकदम रातों रात मतलब इतना वो सिस्टम बदल गया था भी सारे परिवार वाले गांव वाले गांव में चुंची बच्चा मतलब कहते हैं ना बने जी बच्चा बच्चा सारा गांव गया। 20 दिन का टाइम मिला था, 20 दिन में भी है ना उसने लोगों को इतना हैंडल किया कि सरकार का भी समझ में को नहीं आया क्यों पहले वहां कोई जानकारी भी कौन थी ना। अब की बार चुनाव लड़ने की इच्छा थी उनके मन में कि मैं फिर से चुनाव लड़ूंगी लेकिन जब कुलदीप बिश्नोई पार्टी में आ गए तो उन्होंने कभी आप लोगों से चर्चा की कि ये वो तो इस तरह से कुछ होगा तो भी काम मिलेगी? डिपेंड करती बाकी वो इंटरेस्टेड थी जी। हाँ फुल इंटरेस्टेड थी भी मैं चुनाव लड़ूंगी लड़ूंगी बाकी जो उनकी पार्टी है हाईकमान है फैसला तो उनको करना होता है। हाँ बाकी उसका उसकी तमन्ना थी उसने गड मान लिया भी मैं आदमपुर में दिल जान से जाना मतलब लोगों की भाईचारे की मैंने सेवा करनी है और किसी किस्म में कोई अचक्र में कोई भी मैं नाम कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा। जहां भी किसी का मैसेज आया वो रहा तो आदमपुर हल्के के अंदर बच्चा बच्चा जानता है जी उसको बात। कभी परेशान होती थी तो वो चर्चा करती थी अपने परिवार से घर वालों से आप लोगों से बातचीत करती थी? कभी भी कोई नहीं, भी किसी को लेकर कभी राजनीतिक कोई ना, कोई ना, हम थोड़ी बहुत कह करते तू थका कोनी के भी के बात है के ना याद ही को मतलब इतनी वो थी दिल से शरीर से। हाँ हाँ मतलब खुश रहने वाले हाँ खुश ठीक है का। हाँ दिमाग मतलब उसका कभी नेगेटिव चले गए भी मैं थक रही हूँ भी मैं कहीं जाऊँ कोनी बैठू कोनी या किसी का मैसेज आ गया भी मैं वहाँ पहुंचू कोनी देर शेर है ना वो एक समाज सेवी के नाते से जिन्हें उसका धे था अपना नाम कमाने का। हाँ कुछ करना हाँ करना चाहती थी। चलिए कुछ सोनाली जो चाहती थी वो था कि चलो वो भाजपा में है भाजपा की नेत्री है वो चुनाव लड़के जनता की सेवा करना चाहती थी फिर चाहे वो जीतती ना जीतती। हमने देखा भी था कि जीतना उनके लिए इतना अहम नहीं था, उन्होंने हार के बावजूद आदमपुर में लगातार सक्रिय थी और उन्होंने कई काम भी लोगों के करवाए और यही वो चाहती भी थी और उनको इसी में मजा भी आता था। चुलबुली सी थी, उनके पिताजी उनके चाचा जी कहते हैं कि उनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई। इसी आंगन में खेलने वाली उछल कूद करने वाली सोनाली
खाली जब आप इस दुनिया में नहीं है तो इस आंगन में कहीं ना कहीं सन्नाटा है, वीरान है, सुनसान है और इंतजार है शायद अभी भी परिवार वालों को कि सोनाली शायद वापिस आ जाए और फिर एक बार उसके जब पैर इस यहाँ पर पड़ेंगे तो शायद परिवार प्रसन्न हो। लेकिन अब सिर्फ एक चीज परिवार चाहता है कि इंसाफ मिलना चाहिए। सोनाली की हत्या हुई है उनका मानना है, सोनाली की वो मौत नहीं मानते और उनका मानना है कि सोनाली को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये कब होगा इसका इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, फतेहाबाद।